नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में एक ससुराल वालों पर नाबालिग गृह वधु का फांसी लगाकर हत्या कर शव को घर में दफनाने का प्रयास करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, बताते चले कि उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाने के शीतलापुर गांव में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। गृह वधु के परिवार वाले आरोपी पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। जी हां, पुलिस घटना की जांच शुरू कर चुकी है। जानकारी के अनुसार 2 महीने पहले इस्लामपुर थाना के रामगंज इलुआ बाड़ी इलाके में निवासी हासिमबुल की नाबालिग बेटी मिली खातून और चोपड़ा थाने के कालीगंज शीतलापुर गांव के निवासी हफीजुद्दीन के बेटे मोहम्मद साखी के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुआ। इसके बाद दोनों अपने घर से भाग निकले। 15 दिन घर लौटने पर गांव वालों की उपस्थिति में समझौते के आधार पर दोनों की शादी कर दी गई। शादी के दौरान दहेज के रूप में मिली पिता 2.5 लाख रुपए दिए थे। मृत गृह वधु के चाचा तासीरुद्दीन ने बताया कि शादी के 2 महीने बाद ससुराल वालों ने मिली की फांसी लगाकर हत्या कर दी और उसके शव को घर में ही दफनाने की योजना बना रहे थे। इस बीच गृह वधु के परिवार वालों को इसकी भनक लगी। वे घर पहुंचकर उसका शव बरामद किया। जी हां, गृह वधु के परिवार वालों की ओर से आरोपी पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। মিটমাট করে নিল, আড়াই লাখ টাকা দান হলো, দানটা দিয়ে দিয়েছে। আবার দেখো ওদের ভিতরে কি ক্যাচাল হলো ওটা আমরা বলতে পারবো না। মেয়েটাও আমাদেরকে কিছু বলেনি, ওদের বাড়ির শিকায়। আর এখন কালকে ওর চাচার বিয়ে ছিল, ওর বিয়েতে অনেক ই ছিল, ওকে ফোন করতে ছিল, ফোনে আসেনি, আবার ফোনটাও তুলেনি ওরা, কি হয়েছিল কি না ওরাও ফোন করেনি। অন্য গ্রাম থেকে ফোন আসলো কি যে মেয়েটা মারা গেছে। বিয়ে কবে হয়েছিল? বিয়ে ধরো 2 মাসের মতো। আচ্ছা, আজকে ওই যে মৃতদেহ তাহলে পাওয়া গেল? হ্যাঁ, কোথায় পাওয়া গিয়েছে? ওর ছেলের বাড়িতেই। ছেলের বাড়ি কি অবস্থায় ছিল? মানে আমরা তো ওটা দেখিনি যে ফাঁস লাগানো ছিল। বারান্দায় শোয়া ছিল যখন আমরা গেলাম। আমরা আরেকবার যদি আপনি ঘটনাটা বলেন।